नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया ही होने चाहिए। आज का वीडियो जो है हमारा वो ई इनवॉइस के एक बड़े ही छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर है। आपको पता है 1 अप्रैल 2022 से अगर आपके एग्रीगेट टर्नओवर 1 जुलाई 17 से किसी भी साल में 20 करोड़ से एक्सीड करती है तो आपके ऊपर ई इनवॉइस लगनी चालू हो गई है। अब अगर आपने ई इनवॉइस बनाई और ई इनवॉइस बनाकर गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर ई इनवॉइस बना है क्विक रिस्पांस कोड विद आयरन इंटरसेप्टिंग ऑफिसर के मांगने पर अवेलेबल करा दिया है रजिस्टर्ड पर्सन ने, उस केस में पेनल्टी नहीं लगेगी। दैट इज द सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड अलोंग विद द मूवमेंट ऑफ गुड्स। आपको मैं बता दूं, इनफैक्ट अब ई इनवॉइस के केस में ट्रिप्लीकेट और डुप्लीकेट में भी इनवॉइस को बनाने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिप्लीकेट इन केस ऑफ गुड्स, डुप्लीकेट इन केस ऑफ सर्विसेज। तो आप इस बात का आवश्यक ध्यान रखें कि क्विक रिस्पांस कोड प्लस इनवॉइस रेफरेंस नंबर जो कि जनरेट हो रहा है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाय चांस आपके पास ई इनवॉइस फिजिकल कैरी नहीं भी हो रहा तो भी अगर आप ये इंटरसेप्टिंग ऑफिसर को दिखा देते हैं तो कोई समस्या नहीं है। आशा करता हूं ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे और स्टेक होल्डर्स अपडेटेड रहें, प्रॉब्लम में ना फंसे, कंप्लायंट रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।